यू आर वॉचिंग पूंछ लाइव। बच्चों आप थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो देंगे क्योंकि मैं एड्रेस आप ही को करना चाहता हूँ। बेसिकली जो आज का इवेंट है मेरे मतलब आप ही के लिए है, मुझे लगता है एड्रेस आप ही को करना सही है। और एक लाइन में ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज को या जो जहांगीर मेमोरियल क्लब है, मंजीत मेमोरियल क्लब है, उन सबको बहुत मुबारकबाद और एप्रिसिएशन से कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की बच्चों के लिए कि वो यहाँ पे बैठे। बट मेरा मेन कंसर्न जो आज का है जिस पे बात करना चाहूँगा वो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो शायद यहाँ इस माशरे में अवेलेबल थी वो हमने कहीं ना कहीं ग्रोथ के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे छीन ली। मुझे याद है जब मैं यहाँ कॉलेज में था तो यह नाका वाली सड़क में गाड़ी रुकती थी, यहाँ से लेके रेडियो स्टेशन तक मेरा रूम वहाँ पे था तो हम पैदल जाते थे। मुझे नहीं लगता कि सारे एरिया में सिवाय दो चार दुकानों के सारे फील्ड होते थे। आज की तारीख में जब मैं यहाँ 2022-23 में आके देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता है इस स्टेडियम के अलावा इस पहुँच के अंदर कोई जगह है जहाँ पे बच्चे अपना बचपन जिसको उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकें। तो बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मोबाइल गेम्स से हट के रियल जो फिजिकल गेम्स हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, बॉक्सिंग आपने मोबाइल्स पर भी बहुत खेली होगी। ठीक है, आज के जो 6 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन की वो बाकी के 30-40 बच्चों को इंस्पायर करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट जो बॉक्सिंग इवेंट हो उसमें आप सारे प्लेयर्स हों और आप में से जो बेस्ट हैं वो नेक्स्ट स्टेज के लिए भी जाए। तो पर्सनल इन बच्चों से आज आपने इंस्पायर होकर जाना है क्योंकि हम में से ही या इन बच्चों में से जब तक हीरोज नहीं निकलेंगे, जब तक ऐसे जैसे शकलैन का नाम ले रहे हैं इस तरीके से बॉक्सिंग चैंपियंस हमारे पास में इस नए दौर में आएंगे तो हमारे बच्चे इंस्पायर नहीं होंगे और फिर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ी ज़रूरत है कि आप आज इंस्पायर हो, यहाँ पे मुश्ताक साहब और उनकी टीम जो यहाँ पे आपको फैसिलिटेट करेगी, आपको खिलाएगी, आपको सिखाएगी और ताकि आप नेक्स्ट जब हम इवेंट देखने आए यहाँ पे तो हमारे पास और बेटर टैलेंट को और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लाइफ को और देखें। दूसरी बात यह है कि हम जब भी कहीं किसी मामले में बैठते हैं तो हम एक लफ्ज़ यूज करते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। उस चीज़ को समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम जीत और हार को इतना इम्पॉर्टेंट बना लेते हैं कि हमें वो खेल खेल नहीं रहता बल्कि वो एक जंग बन जाती है, उससे राइवलरीज बनती है, इस रिंग से बाहर जाके भी लड़ाइयाँ होती हैं उसकी वजह से। तो पहले मुश्ताक साहब और उनकी टीम आपको स्पिरिट को समझाएंगे कि भाई ये रिंग के अंदर के जो आपके जो फाइट्स हैं ये आउटसाइड की रिंग्स जो है ट्रांसमिट नहीं होनी चाहिए। तो आपको उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना है, अपना बेस्ट एफर्ट्स करना है, जीत को या हार को उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ही एक्सेप्ट करना है, उसको बैगेज बना के यहाँ से नहीं लेके जाना है और ताकि आप ग्रो कर सकें। अदरवाइज यहाँ की फाइट की आपको बाहर जाके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस देखने। देन इससे आगे की बात अपने खन्ना साहब ने भी रखी, उसको मैं फर्दर करते हुए कहते हैं कि हेल्दी माइंड की हेल्दी बॉडी। आज की डेट का जो बड़ा चैलेंज हमारी सोसाइटी को है वो ये है ड्रग्स का। हमारे बच्चे जो बहुत नाइव होते हैं, जो घरों के क्रेडल से निकल के बाहर आए होते हैं वो प्रोन होते हैं टू दी जैसे ड्रग। किसी भी जगह 4 लोग जो इस ड्रग्स के कल्चर जो प्रमोट कर रहे होते हैं, जिनको पैसा बनाना होता है, वो अच्छे घरों के बच्चों को देख के उनको ट्रैप करते हैं और फिर उसके बाद उनको एक्सप्लाइन करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आपने इस ड्रग के मैनेज को, इस ड्रग्स की जो इस वक्त वबा जो हमारे यहाँ फैली हुई है जिससे बहुत छोटी छोटी एज के, सही साहब आप यकीन नहीं करेंगे कि 10-10 साल 12-12 साल के बच्चे जो हैं वो इस वक्त अंडर ट्रायल हैं, कोई JJB के सामने हैं, कोई हमारे पास है, कोई
तो वो बच्चे ट्रैप हुए थे, दे आर इनफैक्ट द विक्टिम्स ऑफ दिस होल गेम। लेकिन आप लोगों को इतना स्मार्ट बनना है कि अगर आपको इस किस्म की कोई, देखें स्पोर्ट्स में फॉर एग्जाम्पल कोई हार गया, मेरा पॉइंट समझना, सभी बच्चे समझना, यहाँ पे दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा हार गया, अब वो डिसअपॉइंटेड है, वो यहाँ से बाहर निकलता है, दूसरा कहता है यार तेरी बॉडी कमजोर है, जरा तू ये थोड़ा सा एक टेबलेट खा ले, ये एक इंजेक्शन लगा ले, तेरी बॉडी में थोड़ा जबरदस्त स्ट्रेंथ आने वाली है। बेसिकली वो ट्रैप है, आपको बाहर आपकी उस एंग्जाइटी को, आपकी उस डिप्रेशन को, आपकी उस स्ट्रेस को इनकैश करने का, कि वो आपको ट्रैप करके आपको स्पोर्ट्समैन से एक ड्रग एडिक्ट बना देते हैं। तो आपने अपने आप को स्मार्ट इतना बनाना है कि उन ट्रैप से अपने आप को बचाना है, फिजिकल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना है, एजुकेशन की तरफ जाना है, ये सारी बातें रख के, ताकि आप एक एक हेल्दी सोसाइटी, एक स्मार्ट हिंदुस्तान का जो है वो जो सबर है, हमारा जो ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकें। माई बेस्ट विशेज आर ऑल विद यू, माई एप्रिसिएशन अगेन फॉर योर होल टीम ऑफ।